हाय, दिस इज मोहम्मद दानिश और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। पर कभी ऐसा नहीं हो मम्मी ने कहा हो बेटा इंजीनियरिंग कर ले, डॉक्टर बन जा, क्या करना है सिंगिंग में। नहीं, कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअली मेरे चाचा चाहते थे कि मैं रिमोट सेंसिंग करूँ। तो दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन आइडल 12 के फाइनलिस्ट मोहम्मद दानिश, और आज जिंदगी उनको इस मुकाम पे ले आई है कि आज वो एक शो के जज भी हैं। तो चलिए सीधी उनसे ही बात करते हैं। कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ एंड बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, एंड न्यूज़ इंडिया पर इंटरव्यू देके बड़ा अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। अपना शो तो बताइए, किस शो पे आप जज हैं? हाँ सर, अभी हमारा शो चल रहा है सुपरस्टार सिंगर, आप देख रहे होंगे सब लोग, सोनी पे ही आता है, रात 8 बजे आता है हमारा शो सुपरस्टार। तो उसके अंदर मैं एज अ कैप्टन आ रहा हूँ, तो बढ़िया चल रहा है, ऊपर वाले का करम है। एंड अभी 3-4 हिंदी फिल्मों के लिए भी गाने जो हैं वो भी गाए हैं, वो भी इंशाल्लाह कुछ दिनों में आ जाएंगे। तो बहुत अच्छा चल रहा है ऊपर वाले के करम से सर, मज़े। तो दानी जी, कैसा लगता, कैसा आपको, आपने मतलब स्ट्रगल करके पहले आप आए, एक सिंगिंग शो के अंदर आए, आज आप जज हैं, तो कैसा लगता है, कैसा फील, कैसा होता है? इट्स जस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू मेरे लिए। तो मैंने कभी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतनी जल्दी ये सब मुकाम मुझे हासिल होंगे। ये सब ऊपर वाले का करम है, मम्मी डैडी का आशीर्वाद है, मेरे ख़ानदान वालों की दुआएं, मेरे बड़ों की दुआएं हैं। ये सब तभी हो पाता है जब एक ब्लेसिंग आपके ऊपर होती हैं, बिकॉज वरना मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतनी जल्दी ये सब चीज़ें होंगी कि मैं एक ऐसे शो में आऊँगा, इंडियन आइडल जैसे एक बड़े शो में आऊँगा। एंड वो शो इतना हिट, लोग इतना प्यार देंगे उस शो को कि हमने कभी सोचा नहीं था। इवन जो मेकर्स थे शो के हमारे, उन्होंने भी नहीं सोचा था कि इतना ये शो पसंद किया जाएगा पब्लिक के अंदर। आज हम जहाँ पे भी जाते हैं, हम लोगों ने पूरा वर्ल्ड टूर किया है एंड दोबारा हम लोग वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, US, कैनेडा, लंडन, इज़राइल, साउथ अफ्रीका, हम पूरे वर्ल्ड में जा चुके हैं। पूरे वर्ल्ड में लोग हमें इतना प्यार करते हैं, जहाँ भी जाते हैं लोग इतना देखते हैं, हम इतना प्यार करते हैं उनको, लोग बोलते हैं कि आपसे हमारा एक दिली कनेक्शन है, आप लोग हमें नहीं जानते लेकिन हम लोग आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये एक ऊपर वाले का करम है, आशीर्वाद है, सब लोग के ब्लेसिंग्स हैं। एंड बहुत ही अपने आप को मैं ब्लेस्ड फील करता हूँ कि ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। बस ऐसा ही चलता रहे तो बस मज़ा आता रहेगा सर। तो दानी जी, सिंगिंग के लिए आप शुरू से पैशनेट रहे होंगे, पर कभी ऐसा नहीं हो मम्मी ने कहा हो बेटा इंजीनियरिंग कर ले, डॉक्टर बन जा, क्या करना है सिंगिंग में? नहीं, कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअली मेरे चाचा चाहते थे कि मैं रिमोट सेंसिंग करूं, मैं छोटा सा था तो मेरे चाचा जी चाहते थे कि मैं एजुकेशन में ज़्यादा घुसूं। बट एक आर्टिस्ट की जो लाइफ होती है ना, वो उसके अंदर एक आर्टिस्ट रहता ही है। मैं अगर इंजीनियरिंग या रिमोट सेंसिंग कर भी लेता, वो एक 3 डॉट का डायलॉग है तो बहुत ख़राब बनता, क्योंकि मुझे बचपन से ही गाने बजाने का शौक़ था। एंड चारों तरफ मेरे, क्योंकि मेरी फैमिली में म्यूज़िक है, मैं म्यूज़िकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो फैमिली में मेरे चारों तरफ मैंने बचपन से, जब मैं दादाजी से मैंने अपनी तालीम ली है म्यूज़िक की, तो जब से मैंने आँख खोली है चारों तरफ मेरे म्यूज़िक ही म्यूज़िक है, तो म्यूज़िक दिमाग में रहता था। तो बस फिर फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे डैडी चाहते थे कि मैं सिंगर बनूँ, मेरी मम्मी चाहती थी मैं सिंगर बनूँ, इवन मेरे दादाजी चाहते थे मैं सिंगर बनूँ। एंड फिर मेरे चाचा जी ने जब देखा कि हाँ यार इसको सिंगर ही बनना है, तो फिर उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरे चाचा जी ने एक गाना भी लिखा है मेरे लिए, अभी मेरा गाना आया था रब्बा वे, जिसका म्यूज़िक दिया है पवनदीप ने, एंड उसको हमने लंदन शूट किया था। तो उनको भी, वो हैं एजुकेशन लाइन में बट उनको भी राइटिंग का एक शौक लगा, तो ऐसे ही फिर उन्होंने देखा कि यार इसका दिमाग जो है वो सिंगिंग की तरफ है, तो हम अपने बेटे को सिंगिंग में डालते हैं। फिर भी कोई प्लान भी नहीं था लाइफ में, आपने सोच रखा था मैं जाऊंगा तो इसी में ही जाऊंगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कभी दूसरा प्लान नहीं हुआ कि कुछ और भी करना है, मैंने हमेशा से ये ही टारगेट रखा कि बस सिंगर ही बनना है, तो अभी वही कर रहे हैं सर, क्योंकि और कुछ हमारे पे आता भी नहीं ना, और कुछ हमसे होगा। तो जैसे कि आज इवेंट जो है वो क्रिकेट के ऊपर है, तो कोई स्पोर्ट्स जिसमें आपकी खास रुचि थी? रुचि तो मेरी बहुत सारे स्पोर्ट्स में है, जैसे कि मैंने अभी बताया एक पिछले इंटरव्यू में, हम लोग गिल्ली डंडा भी खेलते थे, बिकॉज मैं मुजफ्फरनगर जैसे छोटे शहर से आया हूँ, तो वहाँ पे आम जो है वो खेल सब लोग वही खेलते थे, तो हम भी वही खेलते थे। एंड उसके बाद जैसे हम बड़े बड़े हुए, कॉलेज में हमने दाखिला लिया, तो वहाँ से हमें क्रिकेट का एक शौक लगा। इवन मेरी तो पिटाई होती थी, मैं क्रिकेट खेलने भाग जाया करता था, मैं घर पर नहीं आता था, खाने रात के खाने के टाइम पे मैं घर पे आता था, पूरे पूरे दिन हम लोग क्रिकेट खेलते थे, मुझे बहुत शौक है क्रिकेट का। तो बस मज़ा आ रहा है, आज हमारी पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो इस लीग को कर रही है, इतने बड़े स्तर पे कर रही है सब लोग यहाँ पर, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ कि इतने सारे कलाकारों के अंदर जो कि नामी गिरामी कलाकार जो आज यहाँ पर आए हुए हैं, आर्टिस्ट आए हुए हैं जिनको मैं सुनता था बचपन में, तो आज मैं उनके सामने गाऊँगा, तो थोड़ा बहुत मतलब एक्साइटमेंट बहुत हो रहा है, तो बस मज़ा आ रहा है सर। तो इतने बड़े बड़े सिंगर्स के आगे आप गाना गा रहे, तो थोड़ा बहुत वो लगता तो होगा ना, या थोड़ा कहीं गलत ना हो जाए? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, जब सामने आर्टिस्ट होता है तो उसके सामने दूसरा आर्टिस्ट जब गाता है, तो क्योंकि आर्टिस्ट को पता होता है सिंगर को, जो सामने दूसरा सिंगर है, कि ये कहाँ बेसुरा हो रहा है,
कहाँ सुर गया, कहाँ लैसे आउट हो गया, कहाँ ये सब चीज़ें हो गई, ये आम पब्लिक को नहीं पता चलता। क्योंकि बुरा मत माना अगर मेरी बात कोई सुन रहा है, कभी लोग मेरे को कह के ये कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है, तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो एक मतलब एक आर्टिस्ट को ही पता चलती हैं, या उसको पता चलती है जिसको नॉलेज हो, है ना, जिसको संगीत की नॉलेज है, म्यूज़िक की नॉलेज है। नॉर्मल लोगों में उनको ये चीज़ें पता चलती हैं। तो आज यहाँ पर सारे वही लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, एंड उनके मैं गाने सुन के बड़ा हुआ हूँ, तो वो सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो एक मतलब दिल में एक वो भी है कि यार मैं कुछ गलत ना कर बैठूँ, बट एक एक्साइटमेंट है, बिकॉज अभी आदत हो चुकी है। बिकॉज इंडियन आइडल में भी हमारे हर हफ्ते एक नए नए वो लोग आते थे जिनके गाने हम परफॉर्म कर रहे हैं उनके सामने ही, तो अभी थोड़ा बहुत आदत हो गई है, तो बस अभी चल रहा है ऊपर वाले के क्रम से। बढ़िया। तो दानिश जी, जब मैं आपके गाने सुन रहा था तो लिटरली मुझे ना रोंगटे मेरे खड़े हो गए, तो आप इतना अच्छा गा रहे थे, तो इस सक्सेस को मेंटेन करने के लिए आज भी आपको कितने घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ती है? सर रियाज तो देखो, वो तो बेशक वो करना ही पड़ेगा आपको, आप कितने बड़े मकाम पर चले जाओ, कामयाबी जब मिलती है, वो एक शेर है कि बुलंदियों पर पहुँचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। तो अभी रियाज़ तो हमको करना ही पड़ेगा, मैं हमेशा से ही रियाज करता रहता हूँ, बचपन से ही मुझे आदत है, जैसे हम लोगों को खाना खाने की आदत होती है ना, तो ऐसे ही मुझे भी रियाज़ करने की, म्यूज़िक में रहने की। मैं 24 घंटे म्यूज़िक के ही मॉल में रहता हूँ, तो हमारे तो आसपास म्यूज़िक ही म्यूज़िक है, हम 24 घंटे इसी लाइन में हैं, इसी यही एनवायरनमेंट हमारे चारों तरफ घूम रहा है, तो रियाज़ से दूर तो हम लोग होते ही नहीं है, प्रैक्टिस से दूर हम होते ही नहीं है। दानिश जी, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? अपकमिंग प्रोजेक्ट सर अभी तो एक चल रहा है, हमारा शो ही चल रहा है सुपरस्टार सिंगर, उसके अंदर मैं एज अ कैप्टन आ रहा हूँ, एंड कल परसों उसका फिनाले आएगा, सोनी पे ही आता है वो शो भी, रात 8 बजे आता है हमारा नया शो सुपरस्टार सिंगर, एंड उसके बाद मेरा नेक्स्ट US टूर है, इसके बाद US, कनाडा, वेस्ट इंडीज़ हम लोग टूर कर रहे हैं, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया करेंगे। अभी बहुत सारे सर अपकमिंग प्लान है, अभी 3-4 बॉलीवुड फिल्म के लिए मैंने गाना गाया है, अभी रहमान साहब के लिए किया है, और बहुत बड़े बड़े लोगों के लिए अभी किया है, तो अभी कॉन्फिडेंशियल होता है वो, तो मैंने नाम बोल दिया यहाँ पे इस इंटरव्यू में भी अगर ये सुनेंगे तो मेरे को बोलेंगे यार इसका गाना अभी तक आया नहीं है, पहले ही मेरा नाम बोलता फिर रहा है। तो अभी आने वाले हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो लाइनअप सर सारे। तो दानिश जी, गाना हो जाए? हाँ बिल्कुल, मेरा मैं अपना ही गाना सुनाता हूँ, जस्ट ये अभी 4-5 या एक हफ्ता हुआ है उसको रिलीज़ हुए, इसको हमारे पवन चावला जी ने प्रोड्यूस किया है, जो कि यहाँ के भी, जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ पर आया हूँ, तो उन्होंने ही इसको प्रोड्यूस किया, तो वही सुना देता हूँ। चश्मे नमज़ारी में तू ही तू है, इश्क खुमारी में तू ही तू है, तू ही खामोशियों में, तू ही जरगोशियों में, हर मगदम अबदम अब जिंदगी में, हबीबी या हबीबी अल हबीबी अल हबीबी, हबीबी या हबीबी अल हबीबी अल हबीबी, या पास आयू ना सदा निकली है जाबीबी। आपकी आवाज़ इतनी अच्छी, इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत ही नहीं है पीछे से। तो आपका कोई स्पेशल मैसेज न्यूज़ इंडिया के लिए? न्यूज़ इंडिया के लिए बस मेरा यही मैसेज है कि जितने भी लोग, जितने दर्शक हमें देख रहे हैं, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया हमें, इतना प्यार से नवाजते आ रहे हैं, बस ऐसी ही अपनी कृपा हम सब लोगों के ऊपर रखें, सॉरी सर आपको लग गया होगा, तो बस ऐसी ही आप अपनी कृपा रखें, अपना आशीर्वाद रखें, थैंक यू सो मच एवरीवन, बस थैंक यू कह सकता हूँ मैं आपको, बिकॉज मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं आपको और कुछ बोल पाऊँ या कुछ आपको दे सकूँ, बस थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सपोर्टिंग, फॉर योर लव, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस फॉर न्यूज़ इंडिया। हाय, दिस इज़ मोहम्मद दानिश और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया, एंड अभी जाएं यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें न्यूज़ इंडिया, मैं भी देखता रहता हूँ, मैं भी इनका सब्सक्राइबर हूँ।